फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो गई के जरिए रातों रात स्टार बने थे एक्टर राजीव कपूर, जिन्होंने इस फिल्म के जरिए अपनी खास पहचान बना ली थी। और इस फिल्म के बाद राजीव कपूर ने कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी। लेकिन आज राजीव कपूर हमारे बीच नहीं रहे हैं। 9 फरवरी के दिन राजीव कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल का दौरा पड़ने की वजह से राजीव कपूर इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। वहीं फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। फिल्म इंडस्ट्री में सभी सितारे राजीव कपूर को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव कपूर, जिन्होंने ना सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर अपनी खास पहचान बनाई, बल्कि एक प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर के तौर पर भी। ऐसे में देखा जाए तो बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित भी अपने दिल के दर्द को बयां करती हुई नजर आई हैं। माधुरी दीक्षित ने एक बड़ा खुलासा किया है और बताया है राजीव कपूर के साथ काम करने के बारे में। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया के जरिए राजीव कपूर को श्रद्धांजलि दी है और अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया है कि किस तरह से वह उन्हें याद करती हुई नजर आ रही हैं। माधुरी ने ट्विटर पर ट्वीट किया है और इसमें लिखा है, प्रेम ग्रंथ में राजीव कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। ये एक मुश्किल विषय था जिसे उन्होंने पहली फिल्म होने के बावजूद काफ़ी परिपक्वता से संभाला था। वहीं उनके साथ शेयर किए गए सुखद पल काफ़ी याद आ रहे हैं। कपूर परिवार के प्रति मेरी दिली संवेदनाएं। और साथ में माधुरी ने एक हार्ट ब्रोकन इमोजी भी शेयर किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित ने राजीव कपूर की सुपरहिट फिल्म प्रेम ग्रंथ में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया था। साल 1985 में राम तेरी गंगा मैली हो गई में राजीव कपूर लीड एक्टर के तौर पर नजर आए, तो वहीं फिल्मों की दुनिया में काम करने के बाद राजीव कपूर ने फिल्म निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और साल 1996 में फिल्म प्रेम ग्रंथ से निर्देशक के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। और इस फिल्म में राजीव कपूर ने अपने बड़े भाई ऋषि कपूर को लीड एक्टर के तौर पर लिया था, तो वहीं माधुरी दीक्षित को लीड एक्ट्रेस के तौर पर। और ये फिल्म आज भी फैंस को काफ़ी पसंद आती है। और इस तरह से राजीव कपूर ने कई फिल्मों के जरिए अपने फैंस को एंटरटेन किया। वहीं राजीव को याद करती हुई नजर आई हैं माधुरी दीक्षित और उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़।